हेलो एवरी वन दिस इज सी एफ फाइनलिस्ट गौतम चैन हेयर आई होप यू ऑल आर फाइन एंड मोर इम्पोर्टेंट राइट होम सो ओके बच्चों हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू जर्नी ऑफ फास्ट ट्रैक बैच ओके तो हम यहाँ पे सिर्फ जस्ट क्या करने वाले हैं जस्ट रिकॉल करने वाले हैं टॉपिक्स को बहुत क्विकली रिवाइज करने वाले हैं तो इस सीरीज में हमारा सबसे पहला टॉपिक है बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन दिस टॉपिक इज क्वाइट ईजी एंड ऑल्सो एग्जाम ओके okay, बेटा तो सबसे पहले सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है वॉट डू मीन बाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो बोला गया मेरे बच्चों कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मार्केट अगर मैं बात करूं एक मार्केट की तो मार्केट में क्या होता है बेटा दो तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं वन इज बायर एंड अदर वन इज सेलर बायर और सेलर जो होता है बेटा सेलर जो होता है बेटा वो हमेशा क्या करना चाहता है का? गुड्स को सेल करना चाहता है तो आई कैन सेलर इज होता है वो हमेशा गुड्स को परचेज करना चाहता है सो आई कैन सेन से गुड्स बराबर बात है अब क्या होता है बच्चे जो सेलर होता है ना उसके दिमाग में चोर होता है उसके दिमाग में एक लालच होता है और वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करता है बेटा डिफेक्टिव गुड्स सप्लाई कर देता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में एंगेज हो जाता है एक्सप्लॉटेटिव गुड्स सप्लाई कर देता है एडल्ट्रेशन करने लगता है सर क्या वर्ड्स बोल रहे हो आप बच्चे बताता हूं आराम आराम से आराम आराम से वेट करते मैंने बोला कि सेलर के दिमाग में क्या होता है बहुत धांधलेबाजी होती है वॉन्ट्स टू अर्न मोर प्रॉफिट टू इंक्रीज अ सेल तो वो अपने सेल को बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है मतलब ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कि फेयर नहीं है बराबर एक्सप्लॉयटेशन करता है एडल्ट्रेशन करना मतलब धाधलेबाजी करता है और क्या करता है मिसलीड करता है टू दी कंज्यूमर बच्चे आपने देखा होगा टू दी कंज्यूमर मिसलीड करता है बच्चे आपने देखा होगा कि पहले कभी कभी कुछ एडवर्टीजमेंट आते थे अभी भी आते हैं कि पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था और फिर मैंने ये बाबा का चूरन खाया और मैं पतला हो गया या पहले मैं बहुत काला हुआ करता था फिर मैंने ये क्रीम लगाई और मैं घोरा हो गया अभी भी आते हैं तो ये क्या कर रहे हैं बच्चे ये आपको मिसलीड कर रहे हैं ये लोग आपको मिसलीड कर रहे हैं प्रोवाइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं सही ट्रेड प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो जब भी सेलर कुछ इस तरीके की ट्रेड प्रैक्टिसेस करता था तो बायर को हमेशा एक डिसएडवांटेज होता था कि बायर उसके झांसे में आ जाता था और वायर फंस जाता था तो गवर्नमेंट ने देखा सरकार ने देखा बोला वायर एक बहुत बेचारा आदमी है, है एक तो बेचारा चीजें खरीद रहा है ऊपर से उसको गलत चीजें बेची जा रही है तो सरकार ने बोला कि हमको वायर को अवेयर करना पड़ेगा हमको कुछ तो करना पड़ेगा हमको वायर को अवेयर करना पड़ेगा हमको वायर को उसके राइट समझाने पड़ेंगे बताने पड़ेंगे तो गवर्नमेंट बोला कि हमको कंज्यूमर को अवेयर करना पड़ेगा अबाउट देयर राइट कि उनको उनके अधिकार पता चले तो उसके लिए बच्चे क्या करा गया एक कानून बनाया गया एंड दैट लॉ इज नोन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोला जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमेशा पब्लिक को हमेशा इनोसेंट पीपल्स को बचाने के लिए बेटा हमेशा गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ लॉ बनाती है लाइक बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी का मर्डर कर दे तो ये जुर्म है कहां लिखा हुआ है कानून में लिखा हुआ है आईपीसी कोड तो क्या हुआ कि कोई इनोसेंट इंसान का खून ना हो जाए इसलिए क्या बनाया गया है बेटा एक कानून बनाया गया तो सेम सेम कि भैया अपने कंज्यूमर्स को अवेयर करा जा सके उनके राइट्स के बारे में बताया जा सके और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी करी जा सके अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसके लिए क्या करा गया एक लॉ बनाया गया एंड दैट लॉ इज नोन एस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बराबर बराबर ठीक है तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि वॉट ड्यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है तो यू कैन इज से कंज्यूमर प्रोटेक्शन इट मींस टू प्रोटेक्ट इसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट इट मींस टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर इट मींस टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट द सेलर अगेंस्ट द सेलर ठीक है The who is in क्या करते हैं स्लाइड पर देख लेते हैं बेटा आराम से मेरे साथ सो है लुक ऑन स्लाइड ओके बेटा तो बोला गया कि इना फ्री मार्केट इकोनॉमिक कंज्यूमिंग कंज्यूमर इज सेट टू बी अंग बेटा कहने को तो कंज्यूमर बादशाह है, है ना पर क्या है कि

और क्या बोल सकते हैं बेटा अपन एक्सप्लॉइटेशन एडल्ट्रेशन तो यही लिखा हुआ है कि इंगेज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एक्सप्लोइटेटिव ट्रेड प्रैक्टिस और डिसऑनेस्टी बराबर कैसे कर सकता है वाया सप्लाई डिफेक्टिव गुड्स एडल्ट्रेशन फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ब्लैक मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग्स ओके तो बेसिकली दिस इज द बेसिक अपन इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया तो ये है अपना पूरा कंक्लूशन क्या बोला गया था बोला गया अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वॉट यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन और आपसे पूछा जाए कि इज वीपज बिहाइंडमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कुछ भी पूछे एग्जामिनर डू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब बता दीजिए या फिर इस एक्ट को लाने की वजह बता दीजिए तो आप लिखिएगा सर दर्पज बिहाइंडमेंट ऑफ द एक्ट इस एक्ट को लाने का पर्पज ये है और इस एक्ट को लाने का पर्पस या फिर आप लिखिएगा इट मीन टू प्रोटेक्ट दाइट्स ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑफ दूमर टू प्रोटेक्ट दी राइट इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर अगेंस्ट डिसऑनेस्ट एंड अनफेयर ट्रेड वेरी वेरी सिंपल सर सिंपल है ना uh, एक बार और बोलते हो तो बोला गया कि वॉट डू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो बोला गया इट मीन टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर अगेंस्ट डिसऑनेस्ट एक्सप्लोटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस डिसऑनेस्ट Exploitative and unfair trade practices. Then, thank you so much, boys. milte next video. Mein. Thank you, peter